बसवा कल्याण के तमाम जनता को नमस्ते। मैं डॉक्टर नारायण मुदगले आयुर्वेदिक वैद्य हूँ। मैं बेंगलोर में प्रैक्टिस करता हूँ। आप मेरे फेसबुक पर कितने वीडियो देखे होंगे हेल्थ रिलेटेड, कोरोना के टाइम पे या फिर बाद में मैं प्रैक्टिस के टाइम पे हर हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहता हूँ। तो अभी ये वीडियो करने का बसवा कल्याण टाइम्स और HK न्यूज़ चैनल के तरफ से कि मैं बसवा कल्याण में कुछ पर्सनल फैमिली फंक्शन के लिए 10 दिन के लिए अवेलेबल हूँ ये महीने और अगले महीने। तो फिलहाल इस टाइम पे मैं क्या है, इस एरिया में बहुत सारे लोग जब मैं बेंगलोर में प्रैक्टिस करता था तो फ़ोन करते थे, सर आप बसो कल्याण कब आते हैं, बीदर या गुलबर्गा साइड आए तो थोड़ा हमको इन्फॉर्म कर दो, हम बेंगलोर नहीं आ पा रहे तो इधर आए तो हमको आसान होता है। तो जिन लोगों को भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, जिनकी उम्र 30-35 साल रहने दो, 40-50 साल रहने दो या 60 साल की भी रहने दो, जिनको शुगर की वजह से कमज़ोरी आ गई है या जिनको थोड़ा कम उम्र में हस्तमैथुन की उसकी वजह से कमज़ोरी आ गई है, या किसी किसी को कोरोना के बाद भी, मैं बेंगलोर में बहुत पेशेंट देख रहा हूँ, कोरोना की वजह से भी बहुत लोग क्या है सेक्स में कमज़ोरी आ गई है, मर्दानी ताकत में कमज़ोरी आ गई है। उसके लिए हमारे पास बहुत सेफ आयुर्वेदिक दवा है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, हर कोई ले सकता है। शुगर का पेशेंट, BP का पेशेंट या आपको कोई दूसरी प्रीवियस ट्रीटमेंट चल रही है उसके साथ हमारी दवा ले सकते हैं। इसके फायदे ये है, ये क्या करता है, मतलब एक बार आप लिए तो इसको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं, नहीं तो आप जैसा मार्केट में वाइग्रा गोली है, आज लिए 1 घंटा 2 घंटा काम करती है, फिर अगर अगले टाइम आपको सेक्स करना है तो फिर आप दोबारा गोली लेना पड़ता है। लेकिन ये कोर्स का ये फ़ायदा है, एक बार लिए एक कोर्स रहता है उसका, किसको कम प्रॉब्लम रहे तो 1 महीने का, ज़्यादा प्रॉब्लम रहे तो 2 से 3 महीने तक भी ले जाना है। एक बार कोर्स किए तो आपको कम से कम 8-10 साल और कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब दूसरी बात क्या है, इसमें क्या थोड़ा शर्म रहती है, पर्दे वाली चीज़ है, बहुत सारे लोग किधर देखते हैं कि क्या है, कि हमको पहचानने वाले रहते हैं तो उनको एक शर्म रहती है कैसे बताना, तो उसका आप चिंता मत करो। मैं कोई क्लिनिक में मैं नहीं देख रहा हूँ, अभी आज भी मैंने 2-3 पेशेंट देखा उनके कंफर्ट जोन में। कुछ लोग मुझे बोले चलो हम सर ये पर्टिकुलर होटल में आपको बताते हैं, उस होटल में देखा। कुछ लोग बोले नहीं सर थोड़ा हम गार्डन में बैठ के देखेंगे, गार्डन में मतलब आपका कन्वीनियंट, आपको जो शर्म है लाज है इसको निकालना है। क्यों बोले तो जैसा सर्दी बुखार है वो भी एक बीमारी है, ये भी एक बीमारी है। अब सर्दी बुखार के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसको भी आना है। क्यों बोले तो ये चीज़ क्या है, आपके दोस्त बोलते हैं अरे वो खा वो खा, वो जड़ी बूटी खा, उन्होंने वो पाउडर देता है, वो सभी नहीं करना है। डायरेक्ट डॉक्टर को 1-टू-1 कॉन्टैक्ट करो, उनको बताओ क्या है आपकी दिक्कत, क्योंकि हर चीज़ का जो प्रॉब्लम सॉल्व होता है बताने से, जब तक आप नहीं बताओगे तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है। और बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है, किसी किसी को क्या है इरेक्शन का प्रॉब्लम नहीं रहता, जल्दी आउट होता है, किसी किसी को इरेक्शन नहीं होता है, किसी किसी को इरेक्शन भी नहीं होता है और जल्दी आउट होता है, ऐसे सभी लोग मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गई सेक्सुअल वीकनेस की बात। इसके साथ साथ किसी को बवासीर का प्रॉब्लम है या किसी किसी को चमड़ी का प्रॉब्लम है, स्किन का प्रॉब्लम है, खुजली का प्रॉब्लम है, ऐसा लोग भी क्या है मुझे डायरेक्ट बता सकते हैं। मेरा नंबर भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यही बोलने के लिए मैं आज ये वीडियो कर रहा हूँ। इसका कुछ टाइमिंग नहीं है, ऑन अपॉइंटमेंट रहेगा ये। आप अगर किसी को क्या है उनका कन्वीनियंट टाइम, मैं भी उस टाइम पे फ्री रहना, आप भी उस टाइम पे फ्री रहना, उस टाइम पे क्या करेंगे हम दोनों एक दूसरे से बात करके एक टाइम पे मिलेंगे। तो अभी मैं क्या है आज से लेकर ये शनिचर तक 23 तारीख तक इधर बसों के लिए मैं अवेलेबल हूँ, फिर अगले महीने के लगभग 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक इधर अवेलेबल हूँ। इस टाइम पे कभी भी आप मुझे मिल सकते हैं।